हेलो एंड कंप्यूटर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल को लाइव में। सो टेरस, आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे BTC का क्या कुछ कंडीशन चल रहा है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो है वो काफ़ी ख़राब है और सुधारने का भी क्या कुछ चांसेस है, तो उसको देख लेते हैं। क्योंकि शायद किसी ने बाइंग करके रखा होगा या फिर कोई बाइंग करने के लिए सोच रहा है, तो उसको किस तरीके से सोचना चाहिए, अगर होल्डिंग करना चाहे या फिर इन्वेस्ट करना चाहे तो कौन सा तरीका बेस्ट होगा इस पोजीशन में। सो हम उसको लेकर थोड़ी देख लेंगे वीडियोस को, तो चलिए मिलते हैं इंट्रो डिस्क्लेमर के बाद। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो जो चार्ट में है, ये हमने डेली चार्ट को ओपन किया है और डेली चार्ट का जो अभी बुल रन यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पे अपना ड्रॉ टूल जो है उसको ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इस कंडीशन में जहाँ पे एक बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिला है हमें डेली चार्ट में, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत जो है रिकवरी करने की कोशिश करे इस पोजीशन से। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या कुछ पोजीशन बनाता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसके कारण मार्केट को रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा सकता है। यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखें, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो सपोर्ट जोन है वो इस एरिया को बनाने की कोशिश किया है, जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टचेस ऑलरेडी पहले कर चुका है। और ये जो टचेस है यहाँ पे, ये वीकली चार्ट में जो इस एरिया को जो है वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहाँ से जितना जल्द हो सके वो रिमूव करने की कोशिश कर रहा है इस एरिया को। तो अगर ये जो एरिया है इसको अगर क्रॉस ओवर कर लेता है, यानी कि शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर हम इस रेंज को देखें, यानी कि 5,900 से 5,600 का जो रेंज है यहाँ पे जो हमारा ड्रॉ किया हुआ है, इस रेंज के अंदर अगर ये मार्केट रहता है तो डेफिनेटली हमें एक बुल रन और एक बार देखने को मिल सकता है। और अगर इससे नीचे मार्केट क्लोज करता है तो डेफिनेटली इसको हमें देखना पड़ेगा थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में, और हमें देखना पड़ेगा डाउन ट्रेंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो बेयरिश मोमेंटम है वो इतना ज़्यादा तेज़ है कि मार्केट यहाँ पे सुधरने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। और अगर हम देखते हैं इसको 4 आवर्स में, तो यहाँ पे देख सकते हो जो 4 आवर्स में अभी चल रहा है कंडीशन इसका, तो मार्केट यहाँ पे देख सकते हो 4 आवर्स में जो है अपना जो बुल रन है उसको एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा जो रिजेक्शन एरिया है, यानी कि 4 आवर्स में भी एक अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पे दिया है। और अगर हम इसको 1 आवर्स में देखें तो 1 आवर्स में भी कंडीशन कुछ हद तक सेम है। ओके, एक अच्छा खासा रिजेक्शन के साथ यहाँ पे अभी जो एरिया है, जैसे कि आप लोगों को बताया कि अगर इस एरिया को क्रॉस ओवर करके रहता है और इसके ऊपर अगर साइडवेज चलता है तो मार्केट रिकवरी बहुत ही जल्द कर जाएगा, और अगर इसमें लेट होता है मार्केट को रिकवरी करने में, और हो सकता है कि हमें ये 4,000 के जोन में दोबारा से दिखे। तो अब ये जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया है यहाँ पर, आप लोग इसको अपने चार्ट में जो है अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ कंडीशन चल रहा है प्राइस के हिसाब से। अगर 5,900 और 5,600 के बीच रहता है मार्केट और इसका जो साइडवेज जोन है अगर इस एरिया में बनाता है, तो मार्केट में समझ लीजिएगा कि यहाँ से एक बुल रन आ सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा वक्त लगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एक एक दो वीक से भी ज़्यादा टाइम ले लें। बट यहाँ पे अगर इस जोन में साइडवेज रहता है तो भी एक अच्छा बात हो सकता है मार्केट को रिकवरी करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट को यहाँ पे बुल रन के लिए वॉल्यूम भले ही ना मिले, लेकिन बेयर मार्केट के लिए इसको वॉल्यूम नहीं मिलेगा अगर साइडवेज चलता है तो।
लेकिन अगर बियर मार्केट के लिए और भी ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाता है तो मार्केट जो बुल रन है इसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिलहाल का जो कंडीशन है वो मार्केट यहाँ पर रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है और एक अच्छा खासा मूव यहाँ से लेने की कोशिश कर रहा है। बट ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो भी ये इम्पोर्टेंट एरिया है और डेली चार्ट में भी ये इम्पोर्टेंट एरिया है। तो आप लोगों को इस चीज़ को देखना है और समझना है कि इस एरिया को कब ये क्रॉसओवर करता है और उसके बाद का क्या कुछ मोमेंटम रहता है। ऐसा नहीं कि इसको क्रॉसओवर कर गया और दोबारा नीचे गिर गया तो आप लोग जो ख़रीद लेते हो तो बीच में आप लोग फंस जाओगे। तो वहाँ पे मार्केट का आपको वॉल्यूम देखना है और क्या कुछ कैपेसिटी बनता है। और वैसे तो मैं अपलोड यहाँ पे कर दूँगा कि मार्केट का क्या कुछ कंडीशन रह रहा है, और बाकी आप लोग भी ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर देखिए बीच में यहाँ पे अपना पैसा फंस गया तो इसमें बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। हो सकता है कि हमें थोड़ा लेट मिले, थोड़ा प्राइस ज़्यादा में ही मिले, बट वो कन्फर्मेशन में प्राइस है, मतलब हमें आगे ग्रो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मतलब हमारा पैसा ज़्यादा टाइम के लिए नहीं फंसेगा। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ये पोजीशन जो है उसको थोड़ा देख लें, और जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको क्रॉस ओवर कर जाता है तो आप लोग बाइंग का पोजीशन ले सकते हो, अगर इसके नीचे रहता है तो डेफिनेटली आप लोग सेलिंग का पोजीशन ले सकते हो, और जो नीचे का जोन है 4000 का उसमें आप लोग अपना प्राइस जो है सेट कर सकते हो। अगर यहाँ पर डबल बॉटम बनाता है तो उस प्राइस में मार्केट आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और जो भी कुछ आप लोगों का सवाल है, आप लोगों का क्वेरीज है, वो ज़रूर मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। और वीडियोज़ अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली इसको लाइक या कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं है तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियोस में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।